दोस्तों जय शिवकाली। कल रात को यहीं पे टेंट लगाए थे आलापुजा और आलापुड़ा के एक बीच में। अभी बस पैक करके यहाँ से निकलना है। अच्छा खासा बीच है, बहुत काफ़ी बड़ा है। सो बस पैक करते हैं और फिलहाल चलते हैं आज के लिए। देखते फिर कैसा रहता है आज का जर्नी दिन। ये कुछ लड़के खेलने आए यहाँ पे, इंजॉय कर रहे। पूरा भीड़ भरा हुआ है। सो पर मैं पहले अपना पैक कर लेता हूँ, उसके बाद बस जर्नी स्टार्ट किए हैं। भाड़ा पूजी नाम का गांव है ये, और काफी खूबसूरत लग रहा है दोनों तरफ से। चले आज कोल्लाम की तरफ, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं और कैसा रहता है जर्नी। पूरा इंडिया, अभी बस निकले थे आलापुजा से और यहाँ पे एक खूबसूरत सा जगह मिला, तो सोचे कुछ देर देखते हैं कैसा है। आगे एक बीच है, ये तो समझ में आ रहा है। साइकिल को यहाँ पे खड़े कर दिए। अच्छा खासा है, काफ़ी प्यारा सा। ये नॉर्मली टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते, मछुआरा लोग ही बस यहाँ से मछली वगैरह पकड़ने जाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ देर से बैठा था तो चिल करने के लिए ना, थोड़ा सा अच्छा खासा जगह था। तो ये भाई लोग आया, थोड़ा देर इन लोगों से बातचीत किए, फिर ये इन लोगों ने कुछ बोल रहा है फूड फूड ना खाना खाने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है। तो ये अभी खाना लेके आए मेरे लिए इडली 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 खाएंगे, इडली डोसा और सांभर। तो भाई लोग थैंक यू थैंक यू। ये मैं खा ही रहा था तो उसने बोला कि कुछ भूल गया है, रुको थोड़ा सा वेट करो, हम कुछ और स्पेशल लेके आते हैं। सी ब्रो, कितना सारा अबियल 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 केरला में इनटू केरला सो मेनी वेजिटेबल्स आर इंक्लूडेड दिस करी। ओके, तो बहुत सारे वेजिटेबल मिला के बनाते हैं इसको, स्पेशल है केरला के। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। कोल्लाम की तरफ जा रहे हैं और लगभग 20 किलोमीटर बाकी है। यहाँ पे खूबसूरत सा व्यू मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस तरफ भी काफ़ी अच्छा है, पर अभी इस तरफ जा नहीं सकते, और लगेगा लगभग घंटा डेढ़ घंटे में पहुँच जाएंगे, आराम से जाएंगे अभी। सो चलते हैं। बहुत गर्मी था आज भी, अभी कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा आ रहा है। गर्मी के चक्कर में अभी सर दर्द होना स्टार्ट हो गया है। और अभी बस केरला से निकलने वाले हैं, दो तीन दिन में, तीन चार दिन में निकल जाएंगे, तीन दिन में निकल जाएंगे केरला से। उसके बाद तमिलनाडु स्टार्ट होगा, फिर देखते हैं कैसा रहता है सब कुछ। आज एक कोल्लाम जा रहे थे और एक मंदिर में आके रुके हैं, यहीं पे बरंडा में टेंट लगा लेंगे और इनसे कुछ बात कर रहे हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इशारे इशारे बात कर रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए खाना दिया है, ये मंदिर का खाना है, तो इसमें नमक नहीं चलता है और अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, मैं टेस्ट इंजॉय कर रहा हूँ। सादा चावल का है और इसको मैं खा रहा हूँ, फिलहाल अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा नहीं है कि खा नहीं पा रहा हूँ। और मंदिर में यहाँ पे खाने में चावल नमक नहीं डालते हैं, फिर भी मुझे नमक बोल रहे थे कि नमक चाहिए तो ले लो, मैंने मना किया, तो फिर उन्होंने मुझे अचार ला के दिया।
कि तुम शायद खा नहीं पाओगे तो तुमको अचार दे दो। दो पैकेट अचार दिया तो अब अचार से खा रहा हूँ। मैं ऐसे भी खा पा रहा था, ऐसा नहीं है, मैंने आधा से ज़्यादा ख़त्म कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं इन्जॉय किया मैंने और अच्छा लग रहा है। भोलेनाथ का मंदिर है, आज रात को यहीं पर रुक। अच्छे लग रहा है, मतलब बात समझ में नहीं आ रहा है किसी को ना, फिर भी एक अजीब टाइप का एक अच्छा लग रहा है बहुत। तो पहले खाना इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अम्मा ने और दे दिया, बोले कि लो खाओ, पूरा पेट भर के खाओ। थैंक यू। पहले इसको खा लेते हैं, उसके बाद। चारवा में आए थे, चारवा कोल्लम केरला के, यहाँ पे एक खाली जगह में टेंट लगाए थे, अब भी टेंट के अंदर ही है। पीछे साइकिल खड़ी है और बगल का मंदिर है, शिव मंदिर है। तो अभी अभी नींद से उठे हैं और फिलहाल पैक करके आगे के लिए निकल जाएंगे और कोल्लम घूम लेंगे थोड़ा सा आज, और बाकी के आगे निकल जाएंगे तिरुवनंतपुरम के लिए। बस दो दिन में मुझे केरला से निकल जाना है और चलते हैं, देखते कैसा रहता है आज के दिन।